हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पठान मूवी को लेकर लोगों में बहुत सारी बातें चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नए नए अपडेट आपको हमारे चैनल में मिलती रहेगी। दोस्तों, शाहरुख खान की बहुत दिनों के बाद फिल्म पठान हमारे बीच आ रही है और 25 जनवरी 2023 को रिलीज होने की भी बात चल रही है। यह एक जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसे सिद्धार्थ आनंद जी ने लिखा और निर्देशित भी किया है और आदित्य चोपड़ा द्वारा उनके बैनर यशराज फिल्म के तहत निर्मित किया गया है। इस फिल्म को हिंदी भाषा के अलावा तेलुगु और तमिल में भी रिलीज करने की भी बात चल रही है। ये फिल्म लगभग 2.5 घंटे की है। इसमें शाहरुख के अलावा दीपिका पादुकोण, जान अब्राहम, आशुतोष राणा, डिंपल कपाड़िया और सलमान खान जैसे बड़े कलाकार भी मुख्य किरदार में नजर आएंगे। सेंसर बोर्ड से इन्हें UA का सर्टिफिकेट दिया गया है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। दोस्तों, फिल्म का एडवांस बुकिंग अभी से जोरों पर चल रही है। इंडिया के साथ साथ जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे विदेशों में भी हाउसफुल का नजारा देखने को मिल रहा है। इससे ये फिल्म काफी हिट होने वाली है और फिल्म की कमाई जोरों पर रहेगी, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। अभी तक फिल्म के 2 गाने रिलीज हुआ है, लोगों को काफी पसंद भी आ रही है। लेकिन ये फिल्म कहीं कहीं विवादों में भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। इस फिल्म में कहीं कहीं कुछ सीन को लेकर तो कहीं कहीं कपड़ों को लेकर कुछ लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तो कहीं कहीं पर अच्छा खासा समर्थन भी इस फिल्म को मिल रहा है। इन सब बातों को लेकर लोगों में फिल्म के प्रति काफी उत्सुकता नजर आ रही है। ऐसे में फिल्म अपने समय पर रिलीज होती है या आगे बढ़ती है, या इसके स्टोरी या फिल्म के कुछ सीन में क्या बदलाव होगा, ये लोगों में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं इस फिल्म के बारे में, जो कि फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चल पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे और नए अपडेट के साथ बहुत ही जल्द मिलेंगे।